नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेनों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली मालवा सुपरफास्ट को त्रिसाप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में चलाया जा रहा है। मालवा एक्सप्रेस के बारे में हमने पूर्व में एक उसका इतिहास बताते हुए वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कि हमने इस ट्रेन के आज तक के सभी पड़ावों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से कुछ का हम यहाँ पर फिर से उल्लेख करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, मालवा एक्सप्रेस वर्ष 1983-84 के आसपास शुरू हुई थी, जो कि इंदौर से नई दिल्ली के रूप में उस वक्त चलाई जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर वर्ष 1993-94 के आसपास जम्मू तवी तक कर दिया गया। उसके पश्चात वर्ष 2018 में इसको श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक भेज दिया गया। यह पूर्व में ICF रेक से चलती थी, जिसका कि 20 मार्च 2020 को पहली बार LHB रेक से चलाया गया। उसके बाद 21 मार्च को आखिरी बार यह ट्रेन इंदौर से डॉक्टर अंबेडकर नगर से कटरा के लिए रवाना हुई थी, तथा करीब 233 दिन के बाद में यह ट्रेन आज कटरा की ओर वापस जा रही है।